हे गाइस, दिस इज हिमांशु चंद्र। वेलकम टू अदर वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जो टर्म आपने बहुत सी बार सुना होगा अपनी कॉलेज लाइफ में, इंटर्नशिप। कब करोगे इंटर्नशिप? यहाँ से करना है इंटर्नशिप, वहाँ से करना है इंटर्नशिप, अप्लाई नहीं किया अभी तक इंटर्नशिप के लिए आपने, ठीक है। तो ये जितने भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, और बात करेंगे हम इंटर्नशिप के ऊपर कि इंटर्नशिप क्या है, कैसे मिलेगी इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप करना चाहिए, अनपेड इंटर्नशिप करना चाहिए, ठीक है, किस ईयर में करना चाहिए। तो जितने भी तुम्हारे सारे डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आते तक देखना, और जितने भी तुम्हारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटर्नशिप की, कि इंटर्नशिप होती क्या है, ठीक है। मान लो कि आपने किसी भी कंपनी के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो आप उस कंपनी में जाके, ठीक है, सीखोगे कि उस कंपनी में किस तरीके से काम होता है, ठीक है, वो कंपनी में क्या टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर टूल होगा तो आपको सिखाया जाएगा कि हाँ, ये हम टूल यूज़ करते हैं और इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आप वेब डेवलपर की तरह किसी भी कंपनी में गए इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप सोचें कि मेरे को तो HTML CSS सिखाएंगे कंपनी में। ना, ऐसा नहीं होता। HTML CSS जितनी भी है आपकी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनका आपको ABC नहीं सिखाएंगे कंपनी में, ये आपको आना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं आपकी, ठीक है। अगर आपकी वो स्किल्स हैं तभी आप उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए, अगर आपको नहीं आती तो उस इंटर्नशिप के लिए बिल्कुल अप्लाई मत करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो HTML CSS अगर आप वेब डेवलपर इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको सिखाते बैठेंगे HTML CSS, ना, ऐसा नहीं होता। वो आपको अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टूल है तो वो आपको वो सिखा देंगे, और एल्स ये मत सोचने कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सिखाते बैठेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंटर्नशिप का एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, हर कंपनी का अलग अलग रहता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कंपनी का 30 डेज का है, किसी का 45 डेज का, किसी का 3 मंथ, 6 मंथ, तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी इंटर्नशिप रख रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आपने पूरा अच्छे से काम किया 3-6 महीने के लिए तभी है, ठीक है। तो अगर आपका काम उनको अच्छा लगा तो आपको मिल जाता है PPO। तो PPO क्या होता है? आपका प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब यही है यार कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है फुल टाइम जॉब में, ठीक है। तो एक आपको एक जॉब का ऑफर हो चुका है PPO से, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको इंटर्नशिप अच्छी मिले। अगर आपको इंटर्नशिप अच्छी मिल गई, आपने अच्छे से काम किया, तो आपको PPO मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको अगर एक बार PPO मिल गया तो आप जो प्लेसमेंट है उसके टेंशन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार, इंटर्नशिप हमें मिलेगी कैसे, ठीक है। तो यार, इंटर्नशिप आपको बहुत सारे तरीके होते हैं इंटर्नशिप मिलने के। तो सबसे जो पहला तरीका है वो है आपकी इंटर्नशाला यार, ठीक है। तो इंटर्नशाला आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। अलग अलग कंपनीज जो होती हैं वो अपनी इंटर्नशिप जो होती हैं वो उस पर पोस्ट करती हैं, और उसी के साथ में आपकी वो एक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जिस मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो हर कंपनी की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो जब भी आप इंटर्नशाला पे अप्लाई करोगे किसी कंपनी के लिए, अगर मान लीजिए कि वेब डेवलपमेंट के लिए आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में लिखा होगा कि स्किल्स रिक्वायर्ड। तो स्किल्स रिक्वायर्ड में वो पूछ सकते हैं आपको HTML CSS Bootstrap JavaScript, ठीक है। तो ये जो होती हैं वो स्किल्स आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, कि व्हाई डू यू वांट दिस इंटर्नशिप, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार, ये आपको इसके आंसर्स देना पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं यार इसमें, कि इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी काम किया ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने भी काम किया, लेकिन मैंने क्या देखा कि जब भी आप इंटरनेट से कॉपी करते हो और आपने उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो जो कंपनीज होती है ना, जब उनके पास ये जो लेटर जाता है तो वो एक लगाते हैं चेकर, ठीक है, कि आपने ये खुद से लिखा है कि आपने इंटरनेट से कॉपी किया, ठीक है। अगर उस चेकर में आपका ये आ गया कि आपने कॉपी किया है, तो वो जो इंटर्नशिप होती है वो आपको नहीं मिलती, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, औरों का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको इंटर्नशिप मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस, ठीक है। तो ट्राई करना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आंसर का जवाब दो तो वो कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। SMS लैंग्वेज में मत लिखना, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि SMS लैंग्वेज में मत लिखना, यानी कि शॉर्टकट्स वे में मत लिखना, ठीक है। एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखो, लेकिन अपने मन से लिखो, ऐसा नहीं कि इंटरनेट से कॉपी करके लिख लिया, ठीक है, नहीं, ऐसा मत करना। और
जो भी आप लिखो अपने रिज्यूमे में वो एकदम सच सच लिखना, ठीक है? क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो गए उस इंटर्नशिप के लिए और जब आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए आपको आता है कॉल आता है, तो वो आपसे जब क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि आपने जो लिखा था अपने रिज्यूमे में वो सच लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है? तो जब वो टेलीफोनिक इंटरव्यू खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो समझ में आ जाता है कि आपने ये जो लिखा था वो ऐसे ही लिखा था, झूठ मूठ में लिखा था, ठीक है? तो आपको वो इंटर्नशिप नहीं मिलती, ठीक है? तो जब भी आप लिखो वो सच सच लिखना, ठीक है? अगर आप में क्वालिटी होगी, आपकी प्रोफाइल में दम होगी, रेज्यूमे में आपकी क्वालिटी होगी, तभी आपको वो इंटर्नशिप मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो जो भी लिखो सच सच लिखना, ठीक है? तो ये आपका हो गया पहला मीडियम इंटर्न चला। सेकेंड मीडियम की बात करते हैं, जो कि है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे भी यार आपकी कंपनीज जो होती हैं वो इंटर्नशिप अपनी प्रोवाइड करवाती हैं उस पर, ठीक है? एक पोस्ट करती हैं अपना कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप जो है वो अवेलेबल है, तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपका लिखा रहता है कि ये जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, एक्सपीरियंस भी लिखा रहता है उसमें साथ साथ कि हाँ आप एक्सपीरियंस उनको चाहिए, सीनियरिटी लेवल उसमें लिखा रहता है, ठीक है? तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें एक अप्लाई का ऑप्शन आता है या फिर इजी अप्लाई का आता है। इजी अप्लाई में क्या होता है कि आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो उसी से अप्लाई हो जाता है, ठीक है? अगर इजी अप्लाई नहीं आता, उस पर अप्लाई का ऑप्शन आता है, तो वो आपको दूसरी जो वेबसाइट होगी उस पर रीडायरेक्ट कर देता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लिंक्डइन में। अब एक होता है तीसरा मीडियम, जो कि आपका कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो लिंक्डइन पे भी अप्लाई नहीं करती और इंटर्नशाला से भी पोस्ट जो है वो नहीं निकालती, तो उनकी जो मेन ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है आप उससे ही डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं कुछ, जो आपकी ऑफिशियल अपनी वेबसाइट से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए बोलती हैं। तो अब जो मेन क्वेश्चन आता है यार कॉलेज के बारे में, ठीक है? तो यार देखो, कॉलेज आपके अगर मान लो टॉप कॉलेज हैं, IITs, NITs, IIITs, या फिर कुछ आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जैसे BETS, VITS, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो अगर अच्छे कॉलेज हैं, तो उसमें इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज होती हैं वो खुद से आती हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? थर्ड ईयर में आएंगी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको कहीं हंट करने की जरूरत नहीं है, इंटर्नशाला लिंक्डइन वो आपको अपने कॉलेज से ही मिल जाएंगी, ठीक है? लेकिन जिनके कॉलेज हैं ज़्यादा ऊपर के नहीं हैं, थोड़े डाउन लेवल के हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उनके लिए तो यार मैंने बता दिया कि इंटर्नशाला से आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन हो गया या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है? तो जो अच्छे कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको मिल जाएगी अपने कॉलेज से ही, लेकिन जिनके कॉलेज अच्छे नहीं है वो इन प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने इंटर्नशाला से अप्लाई किया होगा लेकिन उन्हें कॉल नहीं आया होगा, ठीक है, या फिर सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो रीज़न क्या है उसका? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि तुमने जो अप्लाई किया वो अंधाधुंध तरीके से तुमने अप्लाई किया उनमें, ठीक है? जब मान लो उसमें लिखा है कि वेब डेवलपमेंट, और उसमें अंदर तुम गए नहीं, तुमने देखा हाँ वेब डेवलपमेंट है, अप्लाई कर दो, ठीक है? अब तुमने देखा नहीं कि स्किल्स में उन्होंने क्या क्या पूछा गया है, ठीक है? मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जो तुम्हें नहीं आती, ठीक है, और तुमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें कॉल आ जाए, ठीक है? क्योंकि वो जो स्किल्स थी जो उन्होंने पूछी गई थी, रिक्वायर्ड थी, वो तुम्हें नहीं आती, फिर भी तुमने अप्लाई कर दिया और तुम सोच रहे हो कि मुझे कॉल आए, तो नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये एक पहला रीज़न हो गया कि तुमने बिना देखे अप्लाई कर दिया, ठीक है? बात करते हैं सेकेंड रीज़न की। जब तुमने अपना रेज्यूमे बिल्ड किया, तो वो जो तुमने रेज्यूमे बिल्ड किया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, क्वालिटी इन द सेंस कि उसमें जो तुमने जिस तरीके से मैटर लिखना चाहिए था उस तरीके से बिल्ड नहीं किया तुमने, ठीक है? एक प्रोफेशनल तरीका होता है रेज्यूमे बिल्ड करने का, वो उस तरीके से तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं आया, ठीक है? थर्ड रीज़न, जैसे मैंने पहले बताया कि जो कंपनीज होती हैं वो चेकर लगा देती हैं जब तुमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वो तुम्हें जो तुमने किया वो एक काम किया इंटरनेट से कॉपी पेस्ट वाला, इसलिए तुम्हें वो नहीं हो पाया तुम सेलेक्ट, ठीक है? अब बात करते हैं फोर्थ की मान लो कि तुमने अप्लाई किया 30-40 कंपनी में, ठीक है, और तुम्हें कॉल आया सिर्फ 10 से 15 कंपनी का, तो ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि तुमने 30-40 में अप्लाई किया और तुम्हें पूरी 30-40 कंपनीज का कॉल आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये उसमें मत अपना मोरल डाउन कर लेना कि यार मैंने 30-40 में किया तो मेरे को सिर्फ 10-15 का ही कॉल आया, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने पूरी 30 से जितनी भी कंपनीज में अप्लाई किया वो सबसे कॉल आ जाए, नहीं होगा ऐसा, ठीक है? उनका होगा जिनको एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस किसको होगा भैया? जो पहले से कंपनी में काम कर रहा है फुल टाइम जॉब के लिए, तो यार फुल टाइम जॉब वाला इंटर्नशिप के लिए तो अप्लाई करेगा नहीं, ठीक है ना? तो जो जिसका सब में सिलेक्शन हो जाएगा वो फुल टाइम जॉब वाला ही होगा,
और वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेगा नहीं, ठीक है। तो तुम इस अब इसकी वजह से अपना मोरल डाउन मत करना कि यार मैंने इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई किया था और मेरा सिर्फ इतने में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ऐसा होगा कि बहुत सी कंपनीज में तुमने अप्लाई किया होगा लेकिन सब में से कॉल ना आए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार पेड इंटर्नशिप की अनपेड इंटर्नशिप। देखो, अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है, ठीक है, आपके इंटरेस्ट की मिल रही है, तो ये मत देखो कि वो पेड है कि अनपेड है। आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बहुत है, ठीक है। तो ये मत देखो कि आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इंटर्नशिप का यार यही है कि आपको ये आप मतलब एक नया चीज़ सीखने को मिल रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो आप पेड और अनपेड पे मत जाओ, ठीक है। अब बात आती है यार कि जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब ये देखते हैं कि यार दूसरे वाले को इंटर्नशिप मिल रही तो मुझे भी इंटर्नशिप चाहिए कैसे भी मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो वो कर बैठते हैं कि यार आपको अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं करना। अगर मान लो आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो आप उसी के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। ये नहीं कि यार मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप मिल रही है मैं उसमें जा रहा हूँ, नहीं। आपको एंड्रॉयड में अपना करियर बनाना है तो यार उसको ही सीखो ना। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्यों जा रहे हो? अपनी मतलब जो टाइम पीरियड है आपको 1-2 महीने का आपको इंटर्नशिप के लिए टाइम मिला है तो वो आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जिस लाइन में अपना करियर बनाना है तो उसी के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको एंड्रॉयड में बनाना है या वेब में बनाना है तो उसी में जाओ, ठीक है। किसी और फील्ड में मत जाओ, ठीक है, ये देख के कि यार इसको इंटर्नशिप मिल रही मेरे को नहीं मिल रही तो जो मिल रही वो मैं वो कर लेता हूँ, नहीं। आपको जिस फील्ड में अपना करियर बनाना है उसी के लिए अप्लाई करो, जिसमें नहीं बनाना उसके लिए बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि उसमें अप्लाई करो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मेरे को इंटर्नशिप मिल रही है, नहीं। जिसमें आपको करियर बनाना है सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो आई होप यार आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इंटर्नशिप से रिलेटेड। आपको फिर भी कोई अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में।